देश में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सभी मौलिक अधिकार, यानी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार को इसमें कोशिश करनी होती है। निजी विद्यालयों में भी 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान होता है, लेकिन राजस्थान के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों को यह अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कई स्कूलों ने इस सत्र में आरटीई के तहत एडमिशन नहीं लिए हैं, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में पहुंच चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने आरटीई के तहत आने वाले कुछ बच्चों और उनके परिवार वालों से बात भी की है। देखिए राजस्थान में आरटीई के सच को उजागर करती हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य होते हैं, इसलिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, इसलिए सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिलने का प्रावधान है। इसे बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, ताकि पढ़ाई करके बच्चे आगे अपने भविष्य को संवार सकें। शिक्षा के अधिकार के तहत पिछले साल राजस्थान में सबसे अधिक विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था, और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि राजस्थान इस साल भी सबसे आगे रहेगा। लेकिन स्कूल संचालकों और सरकार के बीच चल रहे मतभेद की वजह से हजारों विद्यार्थी शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित रह गए। तो हर बार मैं आरटी में फॉर्म भरती हूँ, आरटी वाले मना कर देते, स्कूल में जाती हूँ आरटी वाले मना कर देते, बोलते ना हमारे पहले 1-2 नंबर आएगा, 7 नंबर भी आता ना तो लेते नहीं है, और 5वां था भी नहीं 7वां था भी लिया नहीं। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा हुआ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मेरे पैसे भी लगते हैं जो फार्म भरते हैं उसके, लेकिन वो बच्चे को लेते नहीं है। मैंने मेरी बिटिया के लिए एडमिशन फॉर्म भरा था, बिटिया और बेटे के लिए दोनों के लिए भरा था, एक PP3 में एक PP4 में। दोनों का सीडलिंग स्कूल जो हमारे जवाहरनगर सेक्टर 4 में है, सीडलिंग पब्लिक स्कूल, उसमें नाम आ गया था लिस्ट में। एक का 2nd नंबर पे था, एक का 9th नंबर में था। 9th नंबर वाले का एडमिशन नहीं हुआ, बट 2nd नंबर वाले का स्टेटस एडमिटेड आ रहा है। पिछले 1.5 महीने से मैं स्कूल के चक्कर लगा रहा हूँ। 1.5 महीने पहले उसमें स्टेटस एडमिटेड आ गया था, और उसके लिए 1.5 महीने से लगभग रोज़ मैं वहाँ पर स्कूल में चक्कर लगा रहा हूँ, जिसके बाद मुझे यही दिया जा रहा है कि आप कल आइए, आप परसों आइए, अभी हमारे पास स्टेटस नहीं है, अभी वेरीफाइड नहीं है, आज हमारा स्टाफ नहीं आया, अभी हमने चेक नहीं किया है, हम शिक्षा विभाग में कन्फर्म करेंगे, हमें शिक्षा संकुल जाना पड़ेगा। 2009 में बने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसके तहत एंट्री लेवल की क्लास यानी प्री प्राइमरी एवं पहली कक्षा में एडमिशन लिए जाते हैं। इन विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा देने के एवज में सरकार इन विद्यालयों को फीस देती है, और इसी फीस को लेकर स्कूलों और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी चल रही है, जिसका खामियाजा हजारों बच्चे भुगत रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय जयपुर ने आरटी के तहत नामांकन न लेने वाले 24 विद्यालयों की NOC रद्द करने का प्रस्ताव अगस्त में ही शिक्षा विभाग को भेजा था, लेकिन अब तक इन विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग का कहना है कि यह विद्यालयों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों को शिक्षा दें, जिसके बाद निजी विद्यालयों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। निजी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के निदेशक ने सरकार पर आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने आरटी के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूलों से कहा हुआ है कि आप PP3, PP4, PP5 और फर्स्ट क्लास में 25% बच्चों को जो एडमिशन होते हैं उनके 25% को आप निशुल्क प्रवेश दीजिए, ताकि वो भी शिक्षा ले सकें, और शिक्षा का जो समानता का एक अधिकार है कि शिक्षा पाने का अधिकार है उसको पूरा करें, जो कि उनकी जिम्मेदारी में के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने वो एडमिशन्स नहीं किए, उन्होंने जब एडमिशन नहीं किए ऐसी स्थिति में फिर हमने उनको देना पड़ा, नोटिस दिया उनको। बाकी सारे स्कूलों ने दे दिया था, कुछ स्कूलों ने नहीं दिया था, उनको हमने नोटिस दे दिया, वो 24 स्कूल थे। विभाग और स्कूलों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का अंजाम चाहे जो भी हो, इसकी वजह से हजारों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो गए हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। स्कूलों और विभाग के आपसी मतभेद के अलावा भी विद्यार्थियों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। सिर्फ एडमिशन लेना ही चुनौती नहीं, बल्कि इसके बाद भी छात्रों को किताबों और यूनिफॉर्म के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
आरटी के तहत एडमिशन लेने वाले कमजोर वर्ग के बच्चों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्कूल में चल रही महंगी किताबें खरीद पाए, इसलिए कई बच्चों को किताबों के लिए दूसरे बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ हम बात करते हैं एक बच्ची की जिसका नाम है आंचल नायक। आंचल यूनिफॉर्म और किताबें न होने की वजह से 3 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही है। आंचल की दादी उसके लिए पड़ोस के किसी बच्चे से उसे किताबें लाकर देती है, यूनिफॉर्म भी उधार के हैं। स्कूल में लोग आंचल से कहते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है तो एडमिशन क्यों ले लिया। आंचल को अब भी नए कपड़ों और किताबों का इंतजार है। मेरी बच्ची बहुत फीस के लिए परेशान हो रही है, 3 महीने हो गए स्कूल से बैठी है बिना फीस, उसके बिना बिना ड्रेस बिना और बिना किताबें बिना। ऐसे स्कूल में जाते थे, बोलते भाई किताबें लो, हम कहाँ पढ़ाए। अब इसका बाप बेरोजगार है, कमाता ही नहीं, आधी भर जाता, कभी 10 दिन जाता, कभी 5 दिन जाता है, तो कैसे क्या करे। बच्चों की बहुत बुरी हालत खराब हो रही है इनकी। 3 महीने से आज बहुत मुश्किल है, लड़के भेज जीवन का स्कूल में जा, किसी बच्चे के लिए कि पास वाले कर फिर कर लेना तू काम, जब स्कूल गई है आज। कुछ यही हाल पानीपेज की रहने वाली आसिफा का भी है। स्कूल में दाखिला तो मिल गया लेकिन किताबों और यूनिफॉर्म के लिए घर वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे फीस वाले आएंगे ना, जब कौन सा बच्चा है आपका, क्या कागज कहाँ है आपको, वो दिखा दीजिए। क्या कह रहे थे वो, तो यही कह रहे कि ना एडिशन हमारे पास आगे से आएगा तभी तो देंगे ना, आगे से उनके पास आया नहीं अभी तक। अभी आपका बच्चा स्कूल जा पा रहा है, तो क्या सोचा है आपने, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? ये तो अगले साल एक दफा। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में आरटी के तहत आने वाले बच्चों की स्थिति कमोबेश यही है। पहले तो स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल है और अगर किसी तरह से एडमिशन मिल भी जाए तो भी कई सारी चुनौतियां उनके सामने खड़ी रहती हैं। शिक्षा का अधिकार सिर्फ फीस माफी तक सीमित नहीं है बल्कि वो बुनियादी सुविधाएं भी देना है जो बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। किताबें और यूनिफॉर्म उसका अहम हिस्सा है लेकिन आंचल और आसिफा जैसे हजारों बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन तो पा लेते हैं पर अधिकार से शिक्षा नहीं ले पाते। NDTV राजस्थान के लिए सोमू आनंद की रिपोर्ट। तो बड़ा मुश्किल है और अधिकार के बावजूद भी जब बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिलता है भटकना पड़ता है, इसको लेकर के सवाल उठते हैं। इस बीच हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, सबसे पहले क्योंकि आरटी के इस अधिकार के तहत सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें समय समय पर जब बच्चे अगर उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, अगर एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद की भी चुनौतियां अलग हैं। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके ऊपर आर्थिक तौर पर उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं कि स्कूलों की जो ड्रेसेस है जो अलग से महंगे दामों पर बिकती है या कॉपी किताबें हैं वो खरीद पाएँ या वो उपलब्ध करा पाएँ। इसके लिए क्या अभी तस्वीरें सामने आई हैं इस रिपोर्ट के जरिए? हालांकि बहुत कुछ समझ में आया लेकिन थोड़ा सा और बताइए सोमू जी। बहुत सी मुश्किलें हैं क्योंकि आरटी के तहत दाखिला लेने वाले अधिकतर विद्यार्थी ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं होती है, तो उनके लिए ये अधिकार बहुत अहम अधिकार था लेकिन वे किताबें और महंगे यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी शिक्षा भी नहीं ले पाते। अगर वे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी उनके साथ भेदभाव होता है, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी हमने देखा, बच्ची से कहा जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकती तो स्कूल क्यों आती हो। इससे जाहिर तौर पे उनके मानसिक स्तर पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो उनकी शिक्षा में एक तरह से उनके रास्ते का रोड़ा है। तो हम ये जानते हैं कि इस अधिकार के जरिए बच्चों को शिक्षा मिलनी थी लेकिन जहाँ भेदभाव होगा वहाँ उनको उचित शिक्षा बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। ठीक है, यानी कि ये परेशानी है लेकिन मैं वापस लौटूंगा आपके पास सोमू। लेकिन इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में और हमारे साथ अरविंद अग्रवाल जी भी हैं जो कि राजस्थान में संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आप अरविंद जी, ये कई तरीके की परेशानियाँ हम देखते हैं अक्सर अलग अलग जगहों पर, जैसा मैं शुरुआत में बता भी रहा था और इस रिपोर्ट के जरिए नज़र भी आ रहा था। अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी चिंता होती है कि हम अगर चाहते हैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाना, उनका भविष्य संवारना, तो हम स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में जाकर के देखते हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा है और कहीं लड़ झगड़ करके या किसी तरीके से अगर एडमिशन हो भी गया तो बाद में आर्थिक तौर पर जो दबाव रहता है एक पेरेंट्स के ऊपर कॉपी किताबों का, ड्रेस का, तमाम एक्टिविटीज़ का, तो ये सब चीज़ें कैसे जो आप पेरेंट्स हैं वो कैसे आप सहन कर पाएंगे इन सब चीज़ों को? तो मैं धन्यवाद दूंगा NDTV राजस्थान का जिन्होंने बच्चों की समस्या के ऊपर
जो प्रावधान सरकार ने किया हुआ है राइट टू एजुकेशन, और उसके बावजूद भी स्कूल जो एडमिशन नहीं दे रहे हैं आरटीई, जो कि मूलभूत अधिकार है, और उसके अंदर जब सरकार ने प्रोविजन कर रखे है कि 25% एडमिशन गरीब बच्चों को दिए जाए, ऐसा नहीं है कि हम किसी से लड़ झगड़ के या किसी और सिफारिश से या कहीं से पैसे दे के या डोनेशन दे के एडमिशन चाह रहे हैं। सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी है जो कि बच्चों का मूलभूत अधिकार है कि 25% जो गरीब बच्चे हैं जो कि उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, सरकार की व्यवस्था के अंदर सरकार खुद एडमिशन देती है, अपने पोर्टल पे कागज भरवाती है, वेरीफाई कराती है, और स्कूल के पास जो उनके वैधानिक तरीके हैं उसके तहत स्कूलों के अंदर एडमिशन देती है। पर देखा यह गया है कि जो बहुत बड़े स्कूल है, देखिए शिक्षा का अधिकार बड़ा स्कूल और छोटा स्कूल नहीं होता, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो कि नामचीन स्कूल है जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, वो सरकार के इस तंत्र को भी नहीं मान रही है। कमोबेश देखा यही गया है कि कोरोना काल के अंदर जब विद्यार्थियों की जब शिक्षा बिल्कुल विद्यालय बंद पड़े थे और जिन स्कूलों की फीस का जो मैटर उठा था, यही वो बड़े स्कूल थे जिन्होंने कि उस टाइम पे भी अपनी हद्धर्मिता दिखाई थी। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप एडमिशन दिला भी रहे हैं, जो बड़े स्कूल का जिक्र कर रहे हैं, उन बड़े स्कूलों में अगर एडमिशन हो भी जाता है तो वहाँ की जो ड्रेसेस है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होती हैं, जो कि नहीं की जानी चाहिए, कॉपी किताबों से लेकर के ऐसा सिलेबस दे दिया जाता है जो कि बाहर कहीं मार्केट में आपको किताबें नहीं मिलेंगी, सिर्फ स्कूल में जाकर के आप वो किताबें खरीदेंगे, जो कि इलीगल है, अवैध रूप से काम होता है। ड्रेसेस जो हैं वो सिर्फ आप स्कूल में जाकर के ही खरीदेंगे, ये भी इलीगल है, लेकिन फिर भी होता है। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, ये वही स्कूल है जो शिक्षा को व्यापार के तहत लेते हैं। आज इसी के अंदर कॉपी किताब जो आप कह रहे हैं जो दुकानों पर नहीं मिलती है, वो व्यापार के तहत ही कमीशनबाजी के तहत जो 100 रुपए की किताब जो आपको एनसीईआरटी की मिलती है, वो किताबें 500 550 600 रुपए की किताबें बाजार में मिलती है, वो कमोबेश उनके स्कूल की किताबें उनके कहे हुए सेंटर से ही मिलेंगी। और ऐसी स्थिति में जब बच्चों को वो किताबें उपलब्ध नहीं पाती, गरीब तबके के बच्चे वैसे ही इसके अंदर आते हैं, उनको ड्रेस नहीं मिल पाती, उनको किताबें नहीं मिल पाती, और स्कूल कहीं से प्रोवाइड नहीं करता है, और उनके अंदर जो दुभाग दो तरीके से जो बच्चों को देखा जाता है कि ये निर्धन ये आरटी के बच्चे अभी एडमिशन दे रहे, अगर पिछले सालों में आप देखेंगे तो उनके अंदर भी बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं दुभाग किया गया, और उसको देखते हुए आज जब ये देखा जा रहा है कि स्कूल मतलब आज सरकारी तंत्र को विभाग को धता बताते हुए कानूनी पेचीदगियों में केसों को अटकाते हुए, मतलब वो शिक्षा के मंदिर नहीं बचे। हाँ। वो आज की तारीख में व्यापार के केंद्र हो गए। नहीं, व्यापार का केंद्र भी है, ठीक है, हम समझ भी रहे हैं कि ये लड़ाई होगी, ये बिजनेस की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में डॉक्टर वंदना चौधरी जी, जरा बच्चों के मानसिक स्तर पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि एक बच्चा जो चाहता है आगे बढ़ना, और हम अक्सर कई बार ऐसा देखते भी हैं कि अगर आपको आर्थिक कोटे से लाकर के आपको किसी बड़े स्कूल में एडमिशन दिला भी दिया गया तो वहां पर आपके साथ पक्षपात किया जाता है, वहां पर आपको अलग से सेक्शन में डाल दिया जाएगा जहां पर टीचर्स उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपको अलग नजर से देखा जाएगा, ये बच्चे की मानसिक स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर देता है। देखिए सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इवन जहां हम आरटीआई आरटीई में राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, बट इसके बिहाइंड इसके पीछे जो एक नोबल कॉज है वो भी हम लोगों को समझना चाहिए कि इसके पीछे एक कॉज है इक्वालिटी इन एजुकेशन, राइट। उसके अलावा जब अब एनईपी 2020 में हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं जहां पर सभी बच्चों को इंक्लूड करके, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से क्यों ना हो, जब इसी तरह के सारे बच्चे एक ही एजुकेशन लेंगे, एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, तो उन बच्चों का ही नहीं दूसरे बच्चों का भी इमोशनल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि दे ऑल आर इक्वली पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि अपर ग्राउंड वाले बच्चे या प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों की सोसाइटी अलग है या एक लोअर इकोनॉमिक ग्राउंड वाले बच्चों की सोसाइटी अलग है। तो यहाँ पर अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी इन द एजुकेशन की बात करते हैं, सो आई फील ये एक्ट बहुत ही अच्छा एक्ट है एक अच्छी सोसाइटी निर्माण करने के लिए। यहाँ टीचर्स स्कूल को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, टीचर्स को यूनिफॉर्म और लेकिन वंदना जी ऐसा होता कितने केसेस में है, कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें इन सभी चीजों को आरटी का जो फॉर्मेट है उसको पालन किया जा रहा हो।
मैं मानती हूँ नहीं किया जा रहा है सर, लेकिन थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। अभी भी इस तरह की अवेयरनेस लानी चाहिए कि बच्चों का मानसिक रूप से किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है इक्वालिटी इन एजुकेशन से। तो यहाँ पर बच्चों में डिफ्रेंसिएशन की वो लोअर ग्राउंड से है या हायर ग्राउंड से है वो एक बहुत गलत है। तो आरटीई में एडमिशन को लेकर या फीस को लेकर, अगर उसके अलावा जो अगर सेकेंड फेज अगर स्कूल देखें तो बिलीव मी इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट उन स्कूल की तरफ भी पड़ेगा। आज स्कूल अगर किसी लोअर ग्राउंड के बच्चे को एडमिशन नहीं देता है और वही बच्चा चाइल्डहुड ट्रॉमा से जाते हुए लेटर स्टेज में या अडल्ट एज में कहीं क्रिमिनल साइड में चला जाता है तो ये एक सोसाइटी के लिए खतरा है। ठीक है, तो अगर स्कूल थोड़ा सा कोऑपरेट करे और उनकी मानसिक क्षमताओं को पहचाने, चाहे वो किसी भी ग्राउंड से हो, तो हम एक अच्छी सोसाइटी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें वो हैं जो होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी है, मैं सिर्फ यही पर बात आकर के अटक जाती है। सोमू, जरा एक चीज और बताइए कि अब वो मंच, क्योंकि तमाम अलग अलग मंच भी हैं, इसमें अभिभावक संघ भी होते हैं, टीचर्स तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, स्कूलों तक बात पहुंचाई जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद आज भी कई ऐसे, जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई, सोमू आपने कवर भी किया, उसमें पेरेंट्स का कहना क्या था, जो लड़ाई है एडमिशन की वो कितनी लंबी होती है, और साथ ही अगर किसी तरीके से एडमिशन मिल जाए तो ये कॉपी किताब का खर्चा, ड्रेस का खर्चा, जो प्राइवेट जो बड़े स्कूल कहा जा रहा है उनमें बड़ा मोटा होता है, उसके लिए अगर मान लो कोई सामान्य परिवार का कोई व्यक्ति है जो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो क्या वो संभव हो पाता है? जी बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है, और कई नियम कानून ऐसे, कई प्रावधान ऐसे हैं इसके तहत कि जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। सबसे पहले तो ऐसा स्कूल ढूंढना है, क्योंकि ये प्रावधान में ही है कि नज़दीकी विद्यालय में दाखिला मिलेगा, तो नज़दीकी विद्यालय में दाखिला मिल पाए, सबसे पहली चुनौती यह होती है कि बच्चा वहाँ तक पैदल या फिर उसके गार्जियन, उसको उसके पेरेंट्स, उसके अभिभावक उसको पहुँचा सके, अन्यथा एक ऑटो का या फिर स्कूल बस का खर्च जो है वो अतिरिक्त बोझ परिवार पर पड़ता है। तो सबसे पहली चुनौती तो यहाँ होती है। उसके बाद पहले नामांकन में है चुनौती कि आपको स्कूल सेलेक्ट करना है, उसकी प्रोसेस है पूरी तरह से, वो इंटरनेट के द्वारा होता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स जो इस बैकग्राउंड के हैं, जो इस पृष्ठभूमि में विद्यार्थी नामांकन लेना चाहते हैं, उनको इंटरनेट की समझ नहीं होती है, तो उनके लिए उन्हें बार बार जाना पड़ता है, स्कूल के चक्कर काटने होते हैं। स्कूल कहता है कि आपकी इतनी रैंक आई है, इतने रैंक तक के अगर 20 विद्यार्थी नहीं आते हैं तो आपका नामांकन नहीं होगा, उन्हें उसको समझाना पड़ता है, खुद वो बात समझनी पड़ती है। तो कई चुनौतियाँ सबसे पहले तो नामांकन के दौरान आती है। कई केसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें हमें ये बताया गया कि स्कूल का व्यवहार सही नहीं है, हालांकि सभी स्कूल ऐसा करते हैं यह भी नहीं है, कई स्कूलों का व्यवहार बहुत अच्छा भी है ऐसा भी बताया गया, लेकिन ज़्यादातर मामले में स्कूल का व्यवहार ऐसे बच्चों के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा है ऐसा देखने को मिला है। उसके बाद ड्रेस की चुनौती है ही, बैग की चुनौती है, किताबों की चुनौती है, यह वो चुनौतियाँ हैं जिससे हर दिन वो बच्चा जो आरटी के तहत नामांकन लेता है वो उससे परेशान होता है, जबकि यह प्रावधान है कि बच्चों को किताबें दी जाएंगी, इसके लिए स्कूल को पैसे भी मिलते हैं, हालांकि स्कूलों का यह कहना है कि वो रकम इतनी कम होती है कि उससे किताबें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इसकी वजह से अल्टीमेटली अंततः वह बच्चा जो नामांकन ले रहा है, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसकी पढ़ाई पूरी प्रभावित होती है, वो पढ़ नहीं पाता ठीक है, तो इसका नुकसान अंततः इसका नुकसान जो है वो आप बच्चे को भुगतना पड़ता है, बच्चा जो कि इस रेस में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन इस रेस में कहीं वो बाकियों से पीछे रह जाता है। मैं अरविंद जी आपसे जरा जल्दी से एक छोटा सा जवाब चाहता हूँ कि अगर इस रेस के अंदर बच्चे को आगे बढ़ना है और ये इस तरीके की परेशानी आ रही है, अलग अलग मंच भी हैं, शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन समाधान होगा कहाँ से? अगर किसी पेरेंट के सामने ये परेशानी है तो कहाँ जाकर के दरवाजा खटखटाएं? देखिए समाधान तो सरकार के पास ही है, सरकार ने इन स्कूलों को मान्यता दी है स्कूल चला सकते हैं, सरकार ही इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, और सरकार ये जो कि इनको पैसा भी दे रही है, आरटी के तहत जो एडमिशन दिया जा रहा है सरकार अपने नॉर्म्स के तहत उनको पैसा दे रही है, और सरकार के ही नियम है जिसके तहत एडमिशन दिया जा रहा है, और ये इक्वलिटी की जो बात है, संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और विभाग के पास में अगर आप वहां पे शिकायत करते हैं उसके कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है तो अभिभावक कहाँ जाए, पेरेंट्स कहाँ जाए, बच्चे कहाँ जाए, वो शिक्षा जो हैम्पर हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी, मौलिक अधिकार जो शिक्षा का है वो नहीं, फिर उसमें एक दबाव भी रहता है ना कि अपने बच्चे को पढ़ाना भी है, उसी स्कूल में एडमिशन भी दिलवाना है, अगर वहां जाकर के उस स्कूल की शिकायत कर दी तो बच्चे का वहां पर एडमिशन नहीं होगा, अगर एडमिशन हो भी गया तो बाद में पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनेगा। शिक्षा विभाग ने इसके अंदर अभी तक पालना नहीं करी, उसके अंदर बच्चों की जो शिकायत आती है या पेरेंट्स की शिकायत आती है
उसके अंदर डर है कि उनका नाम खुल जाए तो बच्चों की शिक्षा प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ऐसी व्यवस्था अभी सरकार ने की नहीं, सरकार तो अभी शिकायतों का ही समाधान नहीं करी, तो ऐसी व्यवस्था में नेक्स्ट स्टेप की जो शिकायत है उसको लेके कहां आगे बढ़ेगी सरकार, बिल्कुल हाँ। इसके अंदर संवेदनहीन हो रखी है, ठीक है। और इसमें जो है ना बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटक जाता है और बच्चों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। खैर चर्चा तो खैर अंत है, इसका कोई अंत नहीं होगा। खैर बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अरविंद जी तमाम हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़े, सोमो आनंद और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर वंदना चौधरी हमारे साथ जुड़ी। वंदना जी बहुत शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर साफ है कि जो पेरेंट्स हैं उनको तो परेशानी होती ही है, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चा स्कूल में जा रहा है एक नई प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए जाता है, अपना भविष्य संवारने के लिए जाता है, उसके सामने भी चुनौतियां अपार रहती हैं। सरकार को इस पर सोचना होगा और तभी इसका समाधान निकल पाएगा।